जिला बरेली की सीमा पर जो स्थित है फतेहगंज पूर्वी, ये जो है जाम जोन बन चुका है। यहाँ पर जो है कल से जो है जाम लगा हुआ है और अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जाम की कतारें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन कतारों में जो है हजारों यात्री फंसे हुए हैं जो कि भूखे और प्यासे हैं, आगे अपनी मंजिल जाने की राह तके हुए हैं कि कब जाम से निजात मिले और हम जाम से निकल सकें। यहाँ पर जो हैं बसें भी रोडवेज बस हैं, मारुति हैं, कारें हैं जिनमें बच्चे बूढ़े महिलाएं सभी निकल रहे हैं, लेकिन जाम में फंसकर भारी मात्रा में परेशान हो रहे हैं। उनका जो कहना है कि ये जाम यहाँ पर प्रतिदिन का हो गया है, जब भी यहाँ से जो गुजरते हैं तो जाम में फंसना होता है। लगभग 24 घंटे होने जा रहे हैं इस जाम के लिए, अभी भी जो है जाम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जाम का जो मुख्य कारण बताया जा रहा है वो यहाँ पर जो है रेलवे क्रॉसिंग संख्या 343 है, उसके 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर उधर का एरिया काफ़ी डैमेज है, गड्ढे हैं, भारी गड्ढों के कारण यहाँ पे जो वाहन जो हैं अपनी स्पीड नहीं बना पाते हैं, तब तक जो है ट्रेन का आवागमन होने पर फाटक बंद हो जाता है, जिसके चलते जाम की भारी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहीं दूसरा कारण जो है यहाँ पर रेलवे का जो है फाटक के अलावा बैगुल नदी का पुल है, पुल पर जो है काफ़ी बड़ा मात्रा में क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन अभी तक सड़क निर्माण विभाग द्वारा इस क्षतिग्रस्त पुल को सुचारू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से एकल दिशा से बाहर निकलते हैं और जाम की कतारें लग जाती हैं। यहाँ पर जो है लगातार जाम देखने को मिलता है, किसी दिन जाम की स्थिति नहीं होती है, बाकी महीने में लगभग 22 दिन जाम की स्थिति बनती है। यहाँ पर जो है हमारे ज़िले की जो पुलिस है वो भी थक हार करके जो है जाम से जो है परेशान हो चुकी है, लेकिन जाम की स्थिति थमने का नाम नहीं ले रही है। लोगों का कहना है कब मिलेगी इस जाम से राहत, कब मिलेगी जाम से निजात, लेकिन प्रदेश सरकार के जो है काफ़ी ढीला रवैया दिखाई दे रहा है जाम की ओर, इसी वजह से जाम की स्थिति ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। कैमरामैन के साथ जिला संवाददाता हंगामा टाइम्स न्यूज़ बरेली रहने वाले हैं। यहाँ पे आप जाम में कब से फंसे हुए हैं? हाँ, कब से फंसे हुए? कितनी देर हो गई होगी? काफी समय हो गया। तो आपके साथ में फैमिली है? ठीक भाई। काफी दिक्कतें भी आई होंगी? हाँ, दिक्कत। पानी वगैरह के लिए प्यास वगैरह भी लगती होगी? हाँ, पानी नहीं मिला होगा ना यहाँ पे। यहाँ जो है कितने देर हो गई लगभग, बताइए आप। अरे हो गए लगभग 2 घंटे। दो घंटे हो गए। कहाँ जाना है आपको? सीतापुर जाना है। तो ये बस आपकी जो है सवारियों की से भरी हुई है और फंसी हुई है जाम में लगातार, या कोई रास्ता निकलने का तो है नहीं यहाँ से? अब पता नहीं, बस इंतजार कर रहे हैं सब जाम खुलने का। ठीक है। साइड में खड़े हो।